मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चैप्टर डेसिमल. क्वेश्चन नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 5/100. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये किसके इक्वल में है. यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके आंसर्स को देखते हैं. क्वेश्चन जो हमें कहा गया है, क्वेश्चन को समझेंगे पहले. यहाँ पे हमें ये डेसिमल में आंसर दिया गया है, मीन्स 5/100 मीन्स क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना होगा न्यूमरेटर में. तो देखिए, डिनोमिनेटर में 100 है और यहाँ पर पॉइंट कैसे लगाते हैं, मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया है कि नीचे जितने जीरोज़ होंगे उतने डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे. तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 0 है, तो सेकंड डिजिट के लिए क्या करेंगे, हम 1 0 एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे. फिर यहाँ पे 2 0 है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे. ओके, पॉइंट कभी सिंगल नहीं रहता, इसलिए 0 ऐड किया जाता है. तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.05. तो अब हम अपना आंसर देखेंगे, कहाँ है हमारा आंसर, ये रहा 0.05. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3. ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 231/1000. अब देखिए, मैंने वही सेम बताया है, जहाँ पर 10, 100, 1000, 10,000 लाख इस टाइप के डिजिट अगर डिनोमिनेटर में रहती है, तो हम नीचे जीरोस काउंट करके ऊपर उतने डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे. तो यहाँ देखिए, 1000 है, 1000 में 1 2 3 जीरोस होते हैं, तो ऊपर में 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे. तो 1 2 3 डिजिट हमें दी गई है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे. पॉइंट कभी सिंगल नहीं रहता, इसलिए 0 ऐड किया जाता है. तो आंसर इसका क्या हो गया, 0.231. ओके, तो हम अपने ऑप्शन में इसको ढूंढेंगे. ऑप्शन नंबर यहाँ जो सेकंड है, ये इसका आंसर राइट होगा, 0.231. ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. विच डेसिमल रिप्रेजेंट 762 3/10. मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है, जहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर एंड आएगा उसका क्या मतलब होगा, पॉइंट. वहाँ पे क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा. और यहाँ देखिए, थ्री, अगर आपको यहाँ एंड से नहीं समझ में आता, कोई कंफ्यूजन है, तो देखिए यहाँ पीछे THS होगा. ओके, THS जहाँ होगा वो मतलब पॉइंट के बाद के डिजिट है. तो यहाँ पर जो टेंस की प्लेस पर क्या होगा, 3 होगा. तो हमारा देखते हैं 700. तो हम अपना यहाँ नंबर फॉर्म करते हैं, ये हो गया 762. फिर एंड है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये पॉइंट, और यहाँ पे टेंस, टेंस की प्लेस पर क्या है, 3. तो इसमें पॉइंट्स में वंस का प्लेस होता नहीं है, तो डायरेक्ट टेंस होता है. तो आंसर क्या आया हमारा, 762.3. तो इसमें देखिए, हमारे ऑप्शन में कौन सा है, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 25/69,000. तो अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सी में मैंने आपको बताया, जहाँ एंड होगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट. तो आपको यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 25 एंड आया, तो एंड मतलब पॉइंट हो गया आपका, तो आपने यहाँ पॉइंट लगा दिया. अब आप यहाँ पे नंबर फॉर्म करिए 25, तो यहाँ पे आ गया आपका 25 एंड मीन्स पॉइंट. और अब देखिए 69,000, तो थाउजेंड्स की प्लेस पर क्या है, 69 है. ओके, 69,000 है. तो अब आप देखिए इसको किस तरह से करेंगे, थाउजेंड्स की प्लेस पर 9 है, 69,000, मतलब यहाँ पे टेंस की प्लेस है नहीं, तो टेंस की प्लेस नहीं है, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर, 0 ऐड कर देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे 69. तो 69,000 है, मतलब 1000 की प्लेस पर क्या है, 9 है, तो ये 60 मतलब ये 100 की प्लेस हो गई. तो 100 की प्लेस पर क्या हो गया, 6, और 1000 की प्लेस पर क्या हो गया, 9. ओके, तो ये हो गया 69,000 की प्लेस पर है. तो अब हम अपना आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, 25.069,
25.06900, मतलब सभी में यही सेम आंसर आ रहा है। आप चाहे तो इसमें कितने भी जीरोस बढ़ा लीजिए, आंसर सेम ही होगा। ओके, तो मतलब इसमें आंसर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस वाला। ओके, क्योंकि ये सभी में इसके आंसर्स सेम बता रहे हैं। ओके क्लास, तो इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, समझना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू क्लास।